अकेले अकेले प्रमोशन पे अजय बुलाया नहीं मेरे को यार आप तो नकली हो ना लेकिन फिल्म तो असली है ना अरे कितना प्रॉब्लम है मालूम है वो रिक्शा वाला था ना मैं उसको बोला भुज की प्रमोशन पे जाना है वो मेरे को साला गुजरात ले गया खैर मैं इधर आया हूँ बताने के लिए कि मैं और अजय देव बहुत पुराने दोस्त थे अजय देव नहीं अजय देवगन गन की बात नहीं करना फिर मैं बताना चाह रहा हूँ वी वर्क टुगेदर इन लॉट ऑफ फिल्म्स यार बहुत एनर्जी लगता है कैरेक्टर में ओरिजिनल कैसे करते रहेंगे मेरा और अजय का किस्सा बताता हूँ वे वर्क टूगेदर लॉट ऑफ फिल्म सन ऑफ सरदार उसमें काम किया लग इनका घर का नाम राजू हम राजू बोलते हैं उसमें पता है राजू ने क्या किया कमरे में आए ऐसा ग्लास लेके बोलते ले संजू जूस पी जूस मैंने ऐसा ग्लास लिया जैसे ही पिया साला उसमें जूस ही निकला अब मेरे को पता चला अजय इज अ प्रैंकस्टर अजय इज अ प्रैंकस्टर अजय ये माँ घास लड़ देना माँ अरे वो मेरी माँ है हे भगवान माँ देखता हूँ ना वो डायलॉग याद आ जाता है मेरे को माँ सॉरी नहीं उधर देखने वाली नहीं खैर लेकिन मम्मी आई हमारा लकी चाम है पहले एपिसोड में जोरदार ताली हो जाए क्या बात है एक बार मैं सच्ची बोलता हूँ हम लोग साथ में कॉमेडी सर्कस में काम करते थे और आज ये इधर बैठे लाए इतना अच्छा एक्टर है डिजर्व करता है एक बार जोरदार ताली हो जाए शरद एक बात बता बोल इस फिल्म में तूने किसको आवाज दी है अरे किसको आवाज दी है खुद की है अच्छा एक्टिंग किया है आवाज बाहुबली में दिया था तो इसमें आवाज नहीं पसंद आई थी कि उसमें एक्टिंग नहीं पसंद आई थी अरे मजाक कर रहा है शरद के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए बैठ बैठ ए कपिल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक बात करना चाहता हूँ क्या एक बार रणबीर कपूर के लिए जोरदार तालियां हो जाए उसने मेरी बायोपिक संजू में का काम किया था यार इतनी हेल्पफुल पिक्चर है मैं तेरे को बता नहीं सकता हेल्पफुल कैसे जब मैं अपना कुछ भूल जाता हूँ ना तो फिर पिक्चर देख के आ जाता है ऐसा करने का ऐसे रहे माँ थोड़ा घास ले जाओ सॉरी नोरा आई समझ में नहीं आ रहा नूरा के साथ पते की बात करूं कि फतेह की बात करूं यू नो कपिल मैं और नूरा साथ में दुबई गए थे कहां हमने वो देखा भुज खलीफा भुज खलीफा बोला ना भुज की प्रमोशन के लिए आए ले भुज का इनाम ले और एमी वधिया भाई वधिया ए एमी क्या इसमें इसके अंदर ना एक जोक है वो घर जाके पढ़ना अच्छा अगर पढ़ने के बाद हंसी आई तो सोच लेना मेरी टाइमिंग बहुत अच्छी है और अगर हंसी नहीं आई तो सोच लेना आपने गलत पढ़ा है आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है ना बहुत अच्छी आपकी बस फिर जोरदार तालियां वाओ थैंक यू बहुत मजा है सुपर ए मां नहीं अच्छा फिल्म भुज में सोनाक्षी सिन्हा एक अहम भूमिका निभा रही हैं वो वीडियो कॉल के थ्रू हमारे साथ मौजूद हैं आइए उनसे कुछ गपशप करते हैं सोनाक्षी हाय सोनाक्षी हेलो हाउ आर यू जोरदार तालियां सोनाक्षी के लिए गुड हाउ आर यू टू एवरीबॉडी ओवर देयर सोनाक्षी कहाँ हो इस वक्त आप मैं इस वक्त एक जगह पर हूँ जिसका नाम है वासो वो गुजरात में है पहली फिल्म गुजरात में खत्म कर ली दूसरी फिर गुजरात में पकड़ ली है हाँ। अभी इसका प्रमोशन चल रहा है और लोग बोलते हैं गुजराती हर जगह से पैसा कमाते हैं ये हमारी पहली लड़की है सारे गुजरात से बटोर के आएगी बेब यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी
थैंक्स मैन. ये जो लेडी बैठी हुई ना यहाँ पे, ये देखो, ये जो बैंक में काम करती हैं. तो इनका ये सवाल था, कह रहे थे कि फिल्म में आपने जो 300 औरतों को इकट्ठा करके रनवे बनाया, आपने बहुत ही कमाल का काम किया है. तो इनका सवाल ये था कि आप जहाँ रहती हैं जूहू में हर साल पानी भरता है, तो 150 औरतें इकट्ठी करके सड़क ऊंची क्यों नहीं कर लेती? ये वैसे आइडिया बुरा नहीं है. मैम थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन, एंड आपने मुझे बहुत गहरी सोच में डाल दिया. आई थिंक ये आपका आइडिया अच्छा है, ये साल कुछ करना पड़ेगा. अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी को देना हो तो अर्चना जी का ये भी काम है साइड बाय साइड. सोनाक्षी इस फिल्म में तीर चला रही है, तलवार चला रही है, फाइट भी करती है. मेरे को पता नहीं क्यों लगता है थोड़ा सा लेट होगी अपनी शूटिंग में, वरना ओलंपिक में जाती ना सोनाक्षी, कोई ना कोई मेडल जरूर लेके आती. ये बात बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे भी ऐसे ही लगता है. हाँ, और मुझे तो लगता है जीत नहीं पाती तो छीन के ले आती है, तो थोड़ी वैसी ना. अरे दे दे. सोनाक्षी अगर आपको ओलंपिक्स में जाना होता, कौन सी गेम में आप पार्टिसिपेट करना चाहती? एक्चुअली स्पोर्ट्स का बहुत शौक है मुझे. बचपन में मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलती थी, टेनिस, वॉलीबॉल, फुटबॉल, थ्रोबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट. तो मतलब पर अच्छी किस्में थी. अच्छी थी मैं. अर्चना जी बहुत अच्छी है हस्बैंड थ्रो में. वैसे लेकिन जोक सबाट, इस बार ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने बहुत कमाल किया, 7 मेडल जीत के आए हैं. सबको बहुत बहुत मुबारकबाद. और नीरज चोपड़ा जो है जेवलिन थ्रो में, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, उनको भी खास तौर पे बहुत बहुत मुबारकबाद. अजय भाजी अब देखना, मेरे को ये लग रहा है कि नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड जीता ना, अभी बायोपिक की तैयारी भी शुरू हो गई होगी. ऑफ कोर्स. मेरे को तो लगता है फरहान अख्तर हो सकता है शुरू भी हो गया हो. उसने सोचा होगा बॉडी तो बनाई रखी है, तो क्यों ना लगते हाथ इसको भी निपटा डाले. क्योंकि कभी कभी होता ना, जैसे माइथो की शूटिंग चल रही है कि अकबर का सीरियल बन गया, ठीक है सेट तो लगा हुआ, टीपू सुल्तान भी शूट कर डालते हैं. मेरे को लग रहा है कि ऐसा हो सकता है. बट कपिल आई थिंक आप परफेक्ट रहोगे नीरज चोपड़ा की बात के. ओह माय गॉड, लंबी लंबी तो आप भी फेंकते हो बहुत. सोनाक्षी एक तुम ही थी जिसको मैं दिल से प्यार करता हूँ, तुम भी बदल गई हो. अरे यार ऐसे मत बोलो, जस्ट बिकॉज मैं अभी तुम्हारे शो पे लाइव नहीं आ पाई, अपनी पार्टी मत बदल लो तुम. बट वी आर मिसिंग यू सोनाक्षी. आई नो आई एम मिसिंग बीइंग देयर, आई विश आई कुड बी देयर. थैंक यू सोनाक्षी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवी जो भी आप शूट कर रही हैं. एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने के लिए. लव यू. माय प्लेजर. थैंक यू. सी यू गाइस. थैंक यू सोनाक्षी. थैंक यू. बाय. फॉर मोर अपडेट्स subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.